पेज डिजाइन किया था, और पेज डिजाइन करने के बाद में फिर हम लोगों ने एंकर टेक का कंसेप्ट देखा था, है ना। और एंकर टेक के अलावा अगर अपन बात करें तो फिर मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिए थे लास्ट सेशन में, है ना, और जो कि असाइनमेंट आप लोगों को पूरे करना है ना। अब अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में अपन अब करेंगे क्या, है ना, तो आज के सेशन में हमें अपने आगे के कंसेप्ट को कवरअप करना है ना। लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपन ने जितने भी टेक्स्ट देखे थे अपने प्रीवियस सेशंस में, है ना, तो वो टेक्स्ट तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली परफॉर्म कर कर भी देख लिए है ना। उससे रिलेटेड मैंने आपको टास्क भी परफॉर्म करने के लिए दे दिए है ना। और अगर अपन बात करें, मैंने आपको एक HTML से पेज भी डिजाइन कर कर बता दिया है ना। जो पेज मैंने आपको डिजाइन कर कर बताया वो एक इनिशियल लेवल का पेज मैंने डिजाइन कर कर बताया कि विद द हेल्प ऑफ HTML आप कुछ इस टाइप से पेज डिजाइन कर सकते हो, है ना। फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू नीड टू सिंपली क्रिएट सम मोर पेजेस, है ना। आपको कुछ और भी पेजेस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी प्रैक्टिस पर्पस के लिए, है ना। अब अगर अपन बात करें कि फिर अब हमें और क्या करना है, तो इसमें कुछ और टैग्स है ना। तो वो कुछ और टैग्स अपन और देख लेते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल टैग क्या होता है ना, ऑडियो वीडियो टैग क्या होता है ना। तो वो टैग अपन देखते हैं, और एक बार मैं ब्रीफ में मैं फिर आपको ये बता दूंगा कि हमने अपने HTML के सेशन में क्या क्या चीजें कवर अप करी थी, राइट। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने कौन कौन से टैग्स कवर अप कर लिए है, तो पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं, और जो बचे हुए हैं तो फिर अपन उसके आगे का वो कंटेंट कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको नोट पैड विजिबल है ना। तो अगर हम यहाँ पर टैग्स की बात करें कि कौन कौन से टैग हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिए है ना। तो कवर अप करने में टैग में अगर अपन बात करें, तो सबसे पहला जो टैग आप लोगों ने देखा था वो था आपका फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें नेक्स्ट टैग की, तो नेक्स्ट टैग क्या आएगा आपके पास में, तो आपने देखा था लिस्ट टैग। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे टेबल टैग। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें, तो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग के, इसमें मैंने फिर आपको मार्क्यू तब भी बता दिया था, और इमेज टैग जब मैंने पढ़ाया था तब आपको तब भी मैंने मार्क्यू टैग बता दिया था, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि अपना फॉर्म टैग के बाद में फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था इमेज टैग, राइट। फिर उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था मेटा टैग, ठीक है। सीक्वेंस में भी हो सकता है ऊपर नीचे, बट ये टैग हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे, है ना। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था एंकर टैग, राइट। और फिर उसके अलावा अगर अपन देखें, तो दो और टैग है, एक है आपका ऑडियो वीडियो टैग, ठीक है, जो कि आपका बाकी है। और अगर अपन एक और टैग की बात करें, तो एक और टैग में आता है आपके पास में स्ट्रक्चरल टैग, ठीक है। तो ये जो दो टैग है, ये दो टैग अभी आपके और बाकी है। बाकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जितने भी आपको टैग्स लेके रखे हुए ऊपर 7 टाइप्स के, ये टैग्स आप लोगों ने कवर अप कर लिए थे, राइट। अगर अपन बात करें कि इन टैग्स में आपने देखा क्या था, तो फॉर्मेटिंग टैग में जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, है ना, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, है ना, क्यू है ना, DEL, है ना। फिर उसके बाद में मार्क, मार्क्यू, PRE, ABPR, ब्लॉक कोट, है ना, सेंटर। तो ये सारे टैग्स मैंने आपको क्या करे थे, फॉर्मेटिंग टैग के अंदर मैंने आप लोगों को बताए थे, राइट। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, तो लिस्ट टैग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। लिस्ट टैग के केस में अगर मैं बात करूँ, तो लिस्ट टैग में आपने DL, है ना, फिर DT, फिर DD, फिर OL, फिर UL, और उसके बाद में फिर LI, है ना। ये टैग्स आप लोगों ने किसमें डिस्कस किए थे, आपके लिस्ट टैग में डिस्कस किए थे। फिर अगर अपन बात करें टेबल टैग की, है ना, तो टेबल टैग की अगर अपन बात करें, तो टेबल टैग के केस में आपने वहां पे देखा था टेबल, फिर कैप्शन, है ना, फिर TR, TD, TH, है ना, THEAD, TBODY, TFOOT, है ना। फिर उसके बाद में आपने देखा था कॉल ग्रुप, कॉल, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो आपने कॉल स्पैन, रॉय स्पैन, ये वाले टैग्स आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए थे, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर आता है आपके पास में फॉर्म टैग, राइट। अब फॉर्म टैग की अगर अपन बात करें, तो फॉर्म टैग में आपने जो टैग डिस्कस करे थे वो था, एक तो फॉर्म टैग था, फील्ड सेट था, लेजेंड था, लेबल था, है ना, फिर इनपुट था, सेक्शन था, ऑप्शन था, है ना। ये सारे आपने टैग्स डिस्कस किए थे। टेक्स्ट एरिया था, है ना, और इसी के साथ में फिर आपने HTML5 में जो इनपुट टाइप थे, है ना, वो आपने डिस्कस किए थे। इनपुट टाइप की अगर अपन बात करें, तो आपने देखा था सबसे पहले टेक्स्ट था, फिर ईमेल था, फिर पासवर्ड था, फिर डेट था, फिर नंबर था, फिर रेडियो था, फिर चेकबॉक्स था, फिर कलर,
मंथ, टाइम, वीक, है ना, ये सारी चीजें आपने डिस्कस की थी, है ना, फिर यूआरएल, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर कर देखी थी, है ना। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर आपके पास में था इमेज टैग। इमेज टैग सिंपली IMG टैग ही था, जिसके अंदर आपने SRC, हाइट, विड्थ और ALT अल्टरनेट का क्या किया था, यूज किया था, राइट। फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा, तो उसके अलावा फिर आया था आपके पास में मेटा टैग। मेटा टैग की अगर अपन बात करें, तो मेटा टैग में जैसे आपने देखा था वहां पे कैर सेट, है ना, फिर उसके बाद में नेम, फिर कंटेंट, है ना, फिर उसमें आपने देखा था HTTP इक्विवेलेंट, है ना, फिर XUA, है ना, कंपेटिबल, आपने वो वैसा कुछ देखा था उसके अंदर, तो वो मेटा टैग भी आपने देखा था, जो कि रिप्रेजेंट करता है या जिसके बारे में अपन बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा, है ना। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें और क्या, तो उसके बाद में फिर आता है आपके पास में एंकर टैग, राइट। एंकर टैग की अगर अपन बात करें, तो एंकर टैग के केस में आप क्या बोलेंगे, तो एंकर टैग में आपने देखा था, जो अपन देख रहे थे वहां पे ए फॉर एंकर, जिसके अंदर आपने बोला था HREF। HREF मतलब क्या होता है, तो HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, कि अगर उस स्पेसिफिक कंटेंट पर अगर आप क्लिक करते हैं, है ना, तो आपको मतलब एंकर टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पर अगर मैंने क्लिक किया है, तो मैं जो भी हाइपर रेफरेंस दूंगा, मैं उस पर क्या हो जाऊंगा, रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, क्लियर है। और उसमें फिर हमने देखा था टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, कि अगर मुझे नए टैब पर किसी चीज को ओपन करना है, तो क्लियर है यहां तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपके पास में दो टैग और बाकी है, कौन कौन से हैं, एक है आपका ऑडियो वीडियो टैग और एक है आपका स्ट्रक्चरल टैग। अब अगर अपन बात करें कि ये जो दो टैग है, ये दो टैग में अपन क्या देखने वाले हैं, तो मैं ऑडियो वीडियो टैग तो आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चरल टैग की बात करूं, तो स्ट्रक्चरल टैग के अंदर आपके पास में एक टैग आता हैडर, है ना, ओपनिंग ऑफ हेडर एंड क्लोजिंग ऑफ हेडर, राइट। हेडर के अलावा अगर अपन बात करें, तो फिर आता है आपके पास में क्या, नैव, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपन देखें, तो इसमें आता है आपके पास में नैव के बाद में आता है फुटर, ओपनिंग ऑफ फुटर एंड क्लोजिंग ऑफ फुटर, राइट। फिर इसके अलावा आता है आपके पास में सेक्शन, ओपनिंग ऑफ सेक्शन, क्लोजिंग ऑफ सेक्शन, राइट। और इसके बाद में फिर आता है आपके पास में क्या, आर्टिकल, ओपनिंग ऑफ आर्टिकल, क्लोजिंग ऑफ आर्टिकल, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपके पास में समरी, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ समरी और क्लोजिंग ऑफ समरी, राइट। ऐसा करते करते मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक्सेट्रा। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल टैग है ना, ये समवॉट सिमिलर होता है, या आप इसको थोड़ा सा अगर कैटेगराइज करके अगर बोलना चाहे, तो आप बोल सकते हैं कि ये आपके सिमेंटिक टैग्स भी होते हैं। पढ़ता है ना सिमेंटिक टैग मतलब क्या होता है, याद हो तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने टैग डिस्कस किया था, कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैग्स और वी कैन क्लासिफाई टैग्स इन डिफरेंट वेज। जिसमें सबसे पहले देखा था आपने एम्प्टी टैग, जिसमें सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है, जिसको आप वॉइड टैग या फिर अनऑर्डर्ड टैग भी बोल सकते हो। फिर आपने देखा था कंटेनर टैग, जिसको आप बैलेंस्ड टैग भी बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर सिंपली कंटेनर बोलो या फिर बैलेंस्ड टैग बोलो, है ना। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो फिर दो और टाइप के टैग्स थे, एक था सिमेंटिक टैग और एक नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट टैग, है ना, इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एनी मीनिंग अकॉर्डिंग टू हिज इट्स नेम, है ना, मतलब जो टैग होगा वो अपने नाम के अकॉर्डिंगली ही, है ना, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंगली ही क्या करेगा, कंटेंट या सेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। लाइक जैसे दे के रखा हैडर, नाम से समझ में आ रहा है ना, हेडर मतलब क्या, कि हेड पर जो आए, नेव नेव मतलब नेव बार, फुटर मतलब जो फुटर पर आए, है ना, सेक्शन मतलब कोई स्पेसिफिक सेक्शन, आर्टिकल अगर कुछ लिखना है तो आर्टिकल, इन शॉर्ट अगर कोई समरी लिखना है तो समरी। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऊपर लिख दिया है फुटर और नीचे लिखा है आपने हेडर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर लिख दिया है फुटर, नीचे लिखा है हेडर, तो हेडर का कंटेंट ऊपर ही आएगा और फुटर का कंटेंट नीचे ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हेडर टैग फुटर टैग सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो हेडर पोर्शन के लिए लिखूंगा, इसमें जो लिखूंगा वो फुटर सेक्शन के लिए लिखूंगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होते हैं, जैसे आपका वो टी हेड टी फुट आपके टेबल के केस में हो जाते थे, कि आप कहीं भी लिखो तो वो टी हेड पर ही आएगा, टी फुट कहीं पर भी लिखो वो फुट फुट पर ही आएगा। तो
वैसा यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है ना। ये सिर्फ ये बता रहा है कि वो स्पेसिफिक टैग के अंदर का कंटेंट हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है और फुटर के अंदर का कंटेंट फुटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है ना। हेडर ऊपर चाहिए तो हेडर को ही आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, और फुटर में चाहिए तो फुटर को आपको एंड में ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये जो जितने भी टैग्स है ना, ये टैग्स अपन थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में, जब मैं आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा तब वहां पर ये कवर अप करते हुए मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स फ्रेम करके बताऊंगा, राइट। मुझे याद रहेगा वहां पर बताने का, क्योंकि यहाँ पर आप इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अब ये हेडर है, राइट। अब मैं अगर हेडर टैग लगा के कुछ लिख भी दूंगा तो बस मैं लिख ही सकता हूँ, कर तो उसमें कुछ सकता नहीं हूं मैं। हाँ तो वो बूटस्ट्रैप में बताऊंगा ना मैं। नहीं तो डेव आपका नॉन सिमेंटिक टैग है, डेव हो गया, स्पेन हो गया, तो वो तो अपन सीएसएस में पढ़ेंगे ना। हाँ वो तो सब मैं पढ़ाऊंगा ना सीएसएस में, डिजाइनिंग जो भी रहेगा वो आपकी इन सेशंस में पूरी कंप्लीट तैयार हो जाएगी, है ना। मतलब वो सारे कंटेंट जो भी कवर अप होंगे वो सब मैं कवर अप करवाऊंगा, है ना। तो ये कंसेप्ट का अगर मैं एग्जाम्पल भी बनाना भी चाहूँ तो ऐसा कुछ ऐसा मतलब ज्यादा कुछ बनेगा ही नहीं, बस ये होगा कि मैं एक HTML की फाइल ओपन करके तो उसमें सिंपली हेडर के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो बस वो हेडर में दिखेगा, फुटर का फुटर में दिखेगा, और बीच वाले सेक्शन में बीच वाला कंटेंट दिखेगा। लेकिन अब आप ऐसा बोलोगे सर ये जो सेक्शन लिखा हुआ है ना, तो सेक्शन से तो हम ये समझते हैं कि इसमें कुछ पार्टीशन वाला कंसेप्ट होगा। पार्टीशन मतलब कि एक रो के अंदर तीन सेक्शन, तो आप वो सेक्शन लिख के तीन सेक्शन बनाकर बताओ, तो वैसा मैं HTML से नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप ही लगेगा, है ना। या ज्यादा से ज्यादा आप CSS लगा सकते हो, है ना। बट एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन बूटस्ट्रैप से करके देखते हैं, तो ताकि वहां पे क्या चीजें प्रॉपरली और इजीली क्या हो जाती है, इम्प्लीमेंट होती है, राइट। करने को तो आप CSS से भी कर सकते हो इसका कंसेप्ट, है ना, बट वो डिपेंड करेगा आपको, तो करना होगा तो अपन वहां पे कर लेंगे, अदरवाइज बूटस्ट्रैप से तो मैं बताऊंगा इसे, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर बचता है क्या है आपके पास में, तो नॉन सिमेंटिक टैग जो आते हैं, तो नॉन सिमेंटिक में क्या हो जाएगा आपका, डेव हो गया, है ना, आपका स्पैन हो गया, है ना, ये किस में आ जाएंगे आपके नॉन सिमेंटिक टैग्स में आते हैं। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका, वो है आपका ऑडियो वीडियो टैग, है ना। तो अभी ऑडियो वीडियो टैग की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल अपन फ्रेम करके देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर अपन बात करें, तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड HTML5, है ना। आई थिंक आप सभी ने वो कर लिया होगा, है ना, वो लिखा होगा आप लोगों ने, है ना। डिफरेंस भी पता होंगे आपको उसके, क्या क्या डिफरेंस थे, है ना, कोई बता सकता है क्या फटाफट। ऑडियो वीडियो टैग आया, राइट, है ना। कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि HTML की अगर अपन बात करें, तो HTML में आपके पास में ऑडियो वीडियो टैग नहीं था, है ना, लेकिन HTML5 में आपके पास में ऑडियो वीडियो टैग एग्जिस्टेंस में आया। अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये जो HTML को अपन क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, ये जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि HTML और HTML5, तो यहाँ पर अपना बोलने का ये मतलब है कि HTML बोले तो रिमेनिंग वर्जन्स, मतलब HTML सबसे पहले आया था आपका HTML, फिर आया था HTML+ जिसको अपन वन बोलते हैं, या आप वन ना बोलते हुए सिर्फ HTML+ बोलो, है ना, HTML, HTML+, HTML2, HTML3, HTML4, और फिर उसके बाद में आता है HTML5। तो अपन यहाँ पर HTML5 को अलग कर देते हैं और बचे हुए को सबको अलग कर देते हैं, राइट। सबसे पहला जो डिफरेंस था वो क्या था, वो डिफरेंस ये था कि आपके नॉर्मल HTML में आपके पास में ऑडियो वीडियो टैग नहीं था, है ना, और HTML5 में ऑडियो वीडियो टैग है आपके पास में, राइट। दूसरी डिफरेंस की अगर अपन बात करें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनलिटी आपके पास में नॉर्मल HTML में नहीं थी, है ना, लेकिन आपके पास में HTML5 में वो फंक्शनलिटी है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कैसा, कि आपने एक सेक्शन बना दिया है, आपने एक इमेज ली है, उस इमेज को आप ऐसा कुछ कंसेप्ट लगा के लिखोगे जिससे आप उसको उस बॉक्स के अंदर, उस सेक्शन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सको। तो वो HTML में नहीं था, लेकिन वो HTML5 में है। लेकिन अब बात आती है कि वो कैसे, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि प्रॉपरली जावास्क्रिप्ट का जो सपोर्ट है वो HTML5 में था, लेकिन HTML के रिमेनिंग वर्जन में, पहले वाले वर्जन में इतना ज्यादा नहीं था। तो नहीं होने की वजह से आप ऐसा बोलेंगे कि वहां पे ये चीज फंक्शनलिटी, ये सपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर वो फंक्शनलिटी सपोर्ट होती है, ठीक है। इनपुट टाइप्स की बात कर लें, तो जो मैंने आपको नए इनपुट टाइप्स बताए थे HTML में कम थे इनपुट टाइप्स, HTML5 में ज्यादा थे आपके पास में इनपुट टाइप्स, राइट।
सिमेंटिक टैग या स्ट्रक्चरल टैग की बात कर ले अपन, तो HTML में ये स्ट्रक्चरल टैग सिमेंटिक टैग ऐसे नहीं थे, लेकिन आपके HTML5 में ये सारी चीजें है। ठीक है, रिमेनिंग HTML में अगर आप JavaScript का यूज नहीं कर सकते थे तो उसके इसमें आप आपके HTML को डायनेमिक DHTML में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, बट विद द अकरेंस और विद द यूसेज ऑफ JavaScript है ना, HTML5 कैन बी कन्वर्टेड और इज रिस्पॉन्सिबल, और विद द हेल्प ऑफ HTML5 है ना वी कैन इंक्लूड DHTML और परफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ DHTML, बोलते तो डायनेमिक HTML। ठीक है, अभी डायनेमिक HTML मतलब क्या होता है कि जब आप उसमें JavaScript का यूज करते हो है ना, तो उसके पास में ऐसी बोल सकते हो कि कैपेबिलिटी हो जाती है, ऐसा कैपेबल हो जाता है वो कि अगर आपको रन टाइम पर भी कोई एलिमेंट को ऐड करना है, कि मेरे को डिवीजन ऐड करना है ना, मेरे को कोई पैराग्राफ ऐड करना है, तो वो मैं HTML5 में विद द हेल्प ऑफ JavaScript कर सकता हूँ, बट इनिशियल लेवल पे रिमेनिंग वर्जन ऑफ HTML में मैं ऐसा नहीं कर सकता। राइट, तो अगर अपन इसके डिफरेंस की ही बात करें तो पहले मैं वो डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ, अपन वो डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपन ये ऑडियो वीडियो टैग पर जाते हैं। राइट, तो अपन आते हैं यहाँ पर अपने फोल्डर पे, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैं डेस्कटॉप पर आया, और अपन अपने फोल्डर पर आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मे बी इमेज थोड़ी सी ब्लर हो सकती है, बट स्टिल देखते हैं, मैं थोड़ा सा डिक्टेट करके भी बता दूंगा तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी है ना, बाकी ये चीज़ें मैं शेयर तो कर ही दूंगा आपको। दिख रहा है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है कि इट डिडंट सपोर्ट ऑडियो एंड वीडियो विदाउट अ यूज ऑफ फ्लैश प्लेयर सपोर्ट, और HTML5 की बात करें तो इट सपोर्ट्स ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल्स विद द यूसेज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टैग्स है ना, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर HTML में वो ऑडियो वीडियो टैग को विदाउट फ्लैश प्लेयर सपोर्ट यूज या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था, लेकिन HTML5 में ऐसा आप कर सकते हो है ना, कि इट सपोर्ट्स ऑडियो एंड वीडियो कंट्रोल विद द यूज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो टैग्स। राइट, इट यूजेस कुकीज टू स्टोर टेम्पररी डेटा, और यहाँ क्या देखिए रखा हुआ है, इट यूजेस SQL डेटाबेस एंड एप्लीकेशन कैशे टू स्टोर ऑफलाइन डेटा, मतलब अब ये कुकीज क्या होता है, तो ये कुकीज थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, जब आप आगे जाएंगे आगे पढ़ेंगे है ना, जब देखेंगे कि कुकीज आपके क्लाइंट साइड पे है ना, जनरली ये जो टॉपिक है कुकीज हो गया, सेशन हो गया, ये जब आप थोड़ा सा सर्वर साइड लैंग्वेज पर जाते हो, क्लाइंट साइड मतलब थोड़ा सा आप एप्लीकेशन की और थोड़ा सा आप जब जाते हैं, तो वहां पर ये टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। अपन अपने आगे के सेशंस में कुकीज सेशंस ये सारी चीजें भी कवर अप करेंगे, बट अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना समझें कि कुकीज क्लाइंट साइड पर मैनेज होती है, ठीक है, जो कि आपके ब्राउजर में आपको ऑप्शन मिलता है ना, एप्लीकेशंस के अंदर जब आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे जाके कुकीज का ऑप्शन मिलेगा, तो कुकीज वहां पे सेट होती है। राइट, तो इट यूजेस कुकीज टू स्टोर टेम्पररी डेटा, ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए कुकीज का यूज करता है, और इट यूजेस SQL डेटाबेस एंड एप्लीकेशन कैशे है ना टू स्टोर ऑफलाइन डेटा, कि अगर यहाँ पर इसको एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करना है ऑफलाइन मोड पर, तो उस केस में ये किसका यूज करता है, SQL डेटाबेस का यूज करेगा या फिर ऑफलाइन डेटा का यूज करेगा। अब क्या और कैसे, तो अकेले HTML से ही ये सारे काम नहीं हो सकते हैं है ना, इसको फिर आगे थोड़े से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की भी रिक्वायरमेंट लगती है ना, कि आप JavaScript का यूज करोगे तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि JavaScript भी आप कौन सी यूज कर रहे हो, क्लाइंट साइड JavaScript यूज कर रहे हो या फिर आप सर्वर साइड JavaScript यूज कर रहे हो। क्लाइंट साइड अगर यूज करोगे तो फिर आप ब्राउजर की डेटाबेस मतलब ब्राउजर के अंदर जो स्टोरेज होगा उससे काम कर लोगे, लेकिन अगर सर्वर साइड की बात करोगे तो फिर आपको उधर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी है ना, आपके बैकएंड की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पॉइंट है, डज नॉट अलाउ JavaScript टू रन इन द ब्राउजर, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार JavaScript को सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं करता है ये, तो ये बोल रहा है कि डज नॉट अलाउ JavaScript टू रन इन द ब्राउजर, allows JavaScript to run in the background, this is possible due to the JS Web Worker API in HTML5, मतलब HTML5 के अंदर यहाँ पर आपके पास में आपको क्या मिलता है, JS Web Worker API है ना। अब ये API का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी थोड़ी सी हैवी टर्म है, हैवी टर्मिनोलॉजी है। API मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, विच इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ क्लासेज एंड इंटरफेसेस। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कुछ पैकेजेस आपको प्रोवाइड करता है, उन पैकेजेस के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होती है ना, जो कि आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है,
वीडियो ग्राफिक्स आर पॉसिबल इन HTML विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज सच एज VML, सिल्वर लाइट, फ्लैश एक्सेट्रा और वीडियो ग्राफिक्स आर एडिशनली एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ HTML5 लाइक SVG एंड कैनवास। ये SVG, कैनवास ये आप HTML5 के साथ में यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको JavaScript की रिक्वायरमेंट लगती है, अकेले HTML5 से आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, राइट? और इधर क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स आर पॉसिबल है ना इन HTML विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज VML, सिल्वर लाइट, फ्लैश एक्सेट्रा, इनका यूज करके आप यहाँ पर ये वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, इट डज नॉट अलाउ ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट, लेकिन इट अलाउज ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, HTML5 अलाउज टू ड्रॉ शेप्स लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ SVG और कैनवास, ठीक है। It works with all old browser. It supports all new browsers like Firefox, Mozilla, Chrome, Safari, etc. HTML body and head tags are mandatory while writing an HTML code, or this text can be omitted while writing HTML code. है ना, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि जो HTML हुआ, body हुआ, head हुआ, ये mandatory होता था लिखना, लेकिन ये can be omitted है ना while writing HTML code. मतलब can be omitted मतलब ओमिट किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि HTML के केस में अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ कम लिख दिया, कुछ ज्यादा लिख दिया, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, कुछ लिखा ही नहीं, तो वो एरर आपको कभी भी नहीं देता है। ज्यादा से ज्यादा बस ये होगा कि आपने अगर कुछ कम ज्यादा लिखा है तो डिजाइनिंग आपके ऊपर नीचे कर देगा, लेकिन एरर नहीं देगा। ओल्डर वर्जन ऑफ HTML आर लेस मोबाइल फ्रेंडली, HTML5 लैंग्वेज इज मोर मोबाइल फ्रेंडली। Doctype declaration is too long and complicated, or doctype declaration is quite simple and easy. ये तो मैंने भी आपको बताया था कि जो doctype आप लिखते हैं तो HTML5 में आप सिर्फ doctype HTML लिखेंगे तो वो 5 को ही consider करेगा, या वो नहीं भी लिखते हो तो भी वो आपका documentation 5 का ही consider होगा, है ना। But अगर आप previous versions की बात करते हो तो उस केस में आपका जो doctype का जो version या syntax बोल सकते हो वो थोड़ा सा complicated और lengthy होता है। फिर उसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स लाइक नैव, हेडर वर नॉट प्रेजेंट, न्यू एलिमेंट्स फॉर द वेब स्ट्रक्चर लाइक नैव, हेडर, फुटर प्रेजेंट। कैरेक्टर इनकोडिंग इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, कैरेक्टर इनकोडिंग इज सिंपल एंड इजी। अब ये कैरेक्टर इनकोडिंग बोले तो ये कैरेक्टर इनकोडिंग वो कैर सेट जो आप मेटा टैग में लिखते थे, है ना, तो वहां पर आपने कैर सेट UTF-8 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखना वो कॉम्प्लिकेटेड होता था। It is almost impossible to get true geolocation of user with the help of browser. One can track the geolocation of a user easily by using JS geolocation API. है ना, JS बोले तो JavaScript geolocation API का use करके आप location को get कर सकते हो, but वो ऐसा होगा कि जब आप JavaScript वगैरह use करेंगे तब उसमें ये सारी चीजें include होगी, है ना, कि ये सब कुछ करने के लिए आपको JavaScript की बहुत ज्यादा ही क्या होती है, requirement होती है। It cannot handle inaccurate syntax. It is capable of handling inaccurate syntax. जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा इसमें भी लिखा था कि initially HTML में आपको HTML body है ना ये सब लिखना पड़ता था, लेकिन अभी के केस में आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए इन्होंने बोला है इट कैन नॉट हैंडल inaccurate syntax. ये inaccurate syntax handle नहीं कर सकता था, लेकिन ये inaccurate syntax handle कर सकता है। Being an older version, it is not fast, flexible, and efficient as compared to HTML5, or it is efficient, flexible, and more fast in comparison to HTML. And HTML की comparison में ज़्यादा fast है। और finally, last point की अगर अपन बात करें, तो attributes like charset, async, and ping are absent in HTML, or attributes like charset, async, and ping are a part of HTML5. ये जो नीचे जो keywords, key points देके रखे हुए हैं, है ना, इसमें ये parts है HTML5 के, और इधर HTML के केस में ये उसके पार्ट्स नहीं है, है ना। अब जैसे ये कैट सेट तो मैंने आपको बताया था, है ना, वैसे ही सिमिलरली पिंग करके भी कुछ होता होगा, है ना, और असिंक मतलब आप ऐसा बोल सकते हो असिंक्रोनस टास्क, है ना। दो टाइप की चीजें होती है, दो टाइप के टास्क होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस और एक होता है असिंक्रोनस। सिंपल टर्म्स में अगर अपन देखें, एक एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बैच में 50 स्टूडेंट्स है ना, मैंने नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाया और मैंने बोला कि यार वो नोटिस को पढ़ने में 1 मिनट लगता है और 1 at a time, है ना, एक बार में एक ही बच्चा उस नोटिस को पढ़ते हुए क्लास से बाहर जाएगा, तो 50 स्टूडेंट्स है, 1 by 1 जाएंगे, तो वो नोटिस पूरी क्लासरूम में सर्कुलेट होने में कितना टाइम लगेगा, 50 मिनट्स लगेंगे। तो ये कहलाता है सिंक्रोनस वे या सिंक्रोनस मैनर, 1 by 1।
और असिंक्रोनस मतलब क्या होगा कि मैंने बोला कि यार नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया है, आप पढ़ते हुए घर चले जाना, तो आप 50 स्टूडेंट्स में से एक साथ 25 स्टूडेंट्स वहां पे पहुंच गए, 1 मिनट में सबने नोटिस पढ़ लिया, रिमेनिंग 25 नेक्स्ट मिनट में वहां पे पहुंच गए, 1 मिनट में बाकी 25 ने भी क्या कर लिया, नोटिस बोर्ड पर से नोटिस पढ़ दिया। तो इस वे में क्या हुआ है, 2 मिनट में पूरी क्लास में मैसेज क्या हो गया है, सर्कुलेट हो गया। तो आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर अपन बात करें कि जितने भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है ना, या फिर आप बोले कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में जो ट्रेंडिंग कंसेप्ट है एक्सेप्टेबल है ना, जो सब प्रेफर करते हैं, वो असिंक्रोनस का ही है। आप खुद सोचे, छुट्टी के टाइम पर अगर मैं आपको बिठा कर रखूँ और एक एक मिनट में एक एक को नोटिस पढ़वाऊँ, तो उस केस में 50 मिनट्स लगेंगे, तो आप खुद वो चीज नहीं चाहोगे, एज कम्पेयर टू कि तुम चाहोगे कि यार छुट्टी हो गई है तो यार एक साथ ही पढ़कर वहीं के वहीं निकल जाएंगे, तो जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो आप भी असिंक्रोनस की फंक्शनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली अपन जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें भी अपन प्रेफर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था असिंक का, कि असिंक मतलब ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? तो ये कुछ जो डिफरेंस बिटवीन है जो मैंने आपको बताया है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा, तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर चलते हैं अपन वापस से यहाँ पर। जैसा कि आपने इसमें देखा था कि आपके पास में 2 टैग, एक ऑडियो और एक वीडियो टैग बाकी है ना, जिसके एग्जाम्पल हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेम करना है। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ऑडियो क्लिप डाउनलोड कर लेते हैं, वीडियो क्लिप डाउनलोड कर लेते हैं, और फिर अपन अपने एग्जाम्पल पे उन ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप को इम्प्लीमेंट कर कर देखते हैं, राइट। तो अगर अपन बात करें, अब मुझे करना क्या है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने सर्च किया OGV है ना, या मैंने सिंपली ऐसा लिखा है मीडिया कॉलेज है ना, OGG फाइल डाउनलोड। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, डाउनलोड ऑडियो टोन फाइल्स है ना, देखते हैं अपन यहाँ पर। मैं सिंपली इस लिंक पर आया हूँ, आपको जो लिंक पसंद आती है या आपको जो लिंक गूगल पे से सर्च करना है, उस लिंक पर जा सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, अब देखते हैं यहाँ पर ये ऑडियो में कुछ ऑप्शन मिलेंगे क्या मुझे। ऑडियो में तो ये कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है, वीडियो की अगर अपन बात करें तो वीडियो में भी कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है ना। एक काम करते हैं अपन यहाँ पर आते हैं, एक बार बैक आते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पर वही mediacollege.com की साइट पर ही मैं गया है ना, तो ये देखो, ये ऐसा कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, राइट। अब ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, जैसे अब आपने इसको प्ले किया है ना, तो ये ऐसे आपको साउंड देने का काम करेगा, राइट है ना। तो आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड करना रहेगा और लगाना रहेगा। अब डाउनलोड करना रहेगा, लगाना रहेगा, तो अब ये जो देकर रखे हुए हैं डाउनलोडेड फाइल्स में, वेव, OGG, MP3, ये सब क्या है, तो ये उसके एक्सटेंशन है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो पसंद आता है आप वो एक्सटेंशन यहाँ पर लगाएंगे, राइट। मैंने बोला एक काम करते हैं अपन यहाँ पर है ना, डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने इसे तो डाउनलोड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये मेरे पास में मुझे क्या मिल जाएगी, अपनी ऑडियो फाइल है ना। अब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वीडियो फाइल की। तो वीडियो फाइल के लिए मैं करूँगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने सर्च किया टेक्स्ट स्लाइड्स, ये OGG फाइल डाउनलोड। ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्च ही करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन लिखा है MP3, राइट। तो MP3 यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन MP3 फाइल, या फिर अपन एक काम करते हैं OGV एक्सटेंशन फाइल डाउनलोड। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, ठीक है, अभी ये फाइल तो बता रहा है और ये डाउनलोड का भी ऑप्शन दे रहा है, तो अपन एक काम करते हैं उसको डाउनलोड कर लेते हैं और फिर लगा कर ही देखते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आप बाकी आप उसको देख सकते हैं, आप देख कर उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
है ना। अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया इसे, राइट। अपन आते हैं अभी यहाँ पर, तो ये डाउनलोड्स में मिलेगा मुझे। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन डाउनलोड से दोनों फाइल्स को लेकर आ जाते हैं यहाँ पर। ये दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ से कट किया, और कट करके अपन आ जाते हैं वापस से डेस्कटॉप। यहाँ कर वेब डिजाइनिंग HTML, और यहाँ पर लाकर मैंने क्या करा है, ये जो मोर टैग्स देकर रखे हुए हैं आपको, यहाँ पर मैंने लाकर इन्हें रख दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है हमें, है ना। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर अपने VS कोड पर। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ आने के बाद में आप ध्यान से देखना, मैंने सिंपली लिखा है ऑडियो। अपन पहले ऑडियो फाइल लगा रहे हैं यहाँ पर, ऑडियो क्लिप लगा रहे हैं। तो ऑडियो की इसमें मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है ऑडियो, है ना। अब जब आपने सिंपली ऑडियो लिखा है, और अगर आप इसे चलाते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा अभी, है ना, क्योंकि ऑडियो लिखने से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि आपके ब्राउजर पर यहाँ पर वो पेज रन होगा, है ना, और आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अपन ने एग्जांपल रन किया है उसमें आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर, है ना। ऊपर बस वो प्रोसेसिंग चल रही है, वो भी रुक गई है, और ये पूरा पेज आपका ब्लैंक है। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल्स। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे रन किया। आप देखेंगे ये कंट्रोल्स में आपको ऐसा कुछ देखने को मिला है ना। आपने कंट्रोल्स लिखा तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल गया, लेकिन अब आप इसे ऑन करेंगे तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं ना अभी। तो फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ अगर आप लिखेंगे सोर्स, सोर्स में आप लिखेंगे SRC, और SRC में आप क्या करेंगे, जो एक्सप्लोजन का आपने यहाँ पर ऑडियो डाउनलोड किया था आपने वो लगा दिया। आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आकर आपने इसे रिफ्रेश किया, अब देखो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपके पास में ये प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, यहाँ पे ये आपका साउंड म्यूट करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप इसको प्ले कर सकते हो। आपने इसको प्ले किया और मैं क्या, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी क्लिप लगाना है ना, ऑडियो क्लिप, तो आप ऐसे लगाएंगे। मेरे यहाँ पे सभी को वही, अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो ये तो मैंने क्या करा है, ये मैंने सिंपली ऑडियो टैग का यूज किया, है ना, जिसमें मैंने कंट्रोल्स लगाया, जिससे आपको कंट्रोल्स वहां पर देखने को मिले। आपने सोर्स लिखकर SRC लिखा है, तो SRC में आप क्या देंगे, वो पूरा पाथ वहां पर दे देंगे, है ना। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पर आएगा आपके पास में वीडियो, है ना। वीडियो के केस में अपन क्या करेंगे, तो सिमिलरली वीडियो के केस में भी अगर आपने ऐसा लिखा तो वीडियो का कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हो कंट्रोल्स, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अभी इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो आपको प्रिंट होते हुए देखने को या रन करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा है सोर्स, सोर्स के अंदर अब आप क्या लिखेंगे, SRC, और SRC के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो SRC के अंदर अब आपने यहाँ पर आकर जो फाइल देकर रखी हुई थी, ये सैंपल, ये वाला वीडियो, ये वीडियो आपने यहाँ पर लगा दिया। इसको लगाने के बाद में आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे रन किया, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर अपन साउंड ऑफ करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं साउंड कम भी करता हूँ इसकी, देखते हैं यहाँ पर इससे कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर सिस्टम की ही साउंड, सिस्टम का ही साउंड है वो, ठीक है ना। तो ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आप ऐसे कोई से भी वीडियोज यहाँ पर लगा सकते हैं, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। वो वीडियो की क्वालिटी ही वैसी है ना, और अपने ऊपर से इसे थोड़ा सा और ज्यादा जूम करा हुआ है, आप थोड़ा सा उसको कम में करेंगे तो वो चल जाएगा, है ना। मतलब वो वीडियो की क्वालिटी ही वैसी है, वो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर HD इमेज आप डाउनलोड करेंगे तो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा, राइट। ठीक है, इनिशियली ये टैग आपको मिले तो है ना, लेकिन अपन इसका जनरली यूज करते ही नहीं है,
आप देखेंगे कि कोई भी आप साइट बनाते हैं, आप कॉलेज की साइट बनाए, आप कोई प्रोफेशनल साइट बनाए, तो वहां पर ऐसे वीडियो चलते हुए देखने को नहीं मिलते आपको। ये ऐसे वीडियोस कहाँ चलते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे आप कोई साइट ओपन करते हैं, कोई न्यूज चैनल वाली साइट ओपन करते हैं, है ना, जिसमें वो एक पॉपअप के साथ में उठकर आ जाता है और एक छोटा सा वीडियो चलने लगता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट का, है ना। जनरली ये ऐसा किसमें होता है, जो ब्लॉगिंग साइट्स होती है ना, हाँ मिंत्रा बोलो या फिर जो भी ब्लॉगिंग साइट्स वगैरह कुछ बोलो, कोई सी भी, है ना। तो वहां पर ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो रहते हैं, तो वो इस तरीके से हमें पॉपअप होकर क्या होते हैं, आ जाते हैं, राइट। तो वहां पर ये वीडियोस वगैरह ऐसे कुछ आपको चलते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी ऐसे अगर देखा जाए तो ऐसे सच अपने को कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है, ये अपन लगाती नहीं है ऐसे वीडियोस, क्लियर है। बाकी वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लगाना है तो आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे आप अगर इस पेज को लोड करते हैं, है ना, तो इसमें आपके पास में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे ऑटो प्ले, है ना, म्यूटेड लूप। कि अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ क्या, कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आए, आपने लिखा ऑटो प्ले म्यूटेड लूप, राइट। मैंने ऐसा लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। तो देखो ये मैंने बिना रन किए भी ये रन हो गया है ना, ये मैंने वहां पे क्या लिख के रखा था, ऑटो प्ले, तो ये ऑटो प्ले हुआ, फिर म्यूटेड मतलब वो म्यूट हुआ, और अब ये लूप में चलता जाएगा कि ये 3 सेकंड का, 3 मिनट का पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो वापस से क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो वो चलता ही रहेगा, है ना। तो ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसे देकर रखा हुआ, ये देखिए आता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है। अब इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर, तो मैंने आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी दे दिए थे, है ना। अब आपको और क्या टास्क परफॉर्म करना रहेगा यहाँ पर, तो इसके अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि हमने जितने टैक्स कवर अप किए हैं, तो हार्डली ये मान के चलिए वो 55 to 60 टैक्स हम लोगों ने कवर अप किए, है ना, HTML के अंदर, है ना। अब ये इतने टैक्स तो आपको आने ही चाहिए, इतने टैक्स की आपको प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा भी एडिशनल टैक्स आप जितने गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं उतने आपको पढ़ना रहेंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने टैग्स हम लोगों ने देख लिए हैं बस उससे एक ज्यादा एक कम कोई भी टैग नहीं होता, बस उतने ही टैग होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आपको अपने एफर्ट्स तो थोड़े बहुत डालने ही पड़ेंगे, आपको गूगल सर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो आप पूरी डिजाइनिंग हार्ड कोड करके बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। इन फ्यूचर आप कॉपी पेस्ट करेंगे ही सही, मैं तो और भी टैग्स होते हैं, लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको फिगर के लिए अगर कुछ चाहिए, तो फिग कैप्शन करके एक टैग होता है, ठीक है। इंसर्ट की क्या इंसर्ट हुआ है, तो वैसे INS करके भी एक टैग होता है, ठीक है। एड्रेस के लिए भी होता है ना, फिगर करके भी यहाँ पर एक टैग होता है, ठीक है। फिर पहले स्ट्राइक करके होता था, जो कि अब डेप्रिकेट हो चुका है ना। तो ऐसे और भी आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, ऐसे टैग्स मिलेंगे, है ना। तो हार्डली अगर आप गूगल सर्च करके अगर 15 to 20 और एडिशनल टैग्स भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आप बस वो पढ़कर आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर है। लेकिन जितना हम लोगों ने इस सेशन में कवर अप किया है, आई थिंक वो सफिशियंट है, कि इतने से आपको HTML तो समझ में आ ही गई होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगी, और थोड़े बहुत टैग्स आप और भी सर्च करेंगे, है ना। टाइम के हिसाब से आप देखते जाएंगे तो नए नए टैग्स आते जाएंगे, तो आपके बोल सकते हैं नॉलेज में कुछ और एडिशनल टैग्स भी क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो अब इसके अलावा ये तो अपना HTML कंप्लीट होता है, इसके बाद में फिर आता है आपका CSS, ठीक है। बट CSS स्टार्ट करने के पहले एक नया कंसेप्ट मैं आपको अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, कि जैसे कि आपने लास्ट क्लास में एक पेज डिजाइन किया था, है ना, और वो जो पेज आपने डिजाइन किया था वो स्टारबक्स करके पेज की थीम पर आपने उसको डिजाइन किया था, राइट। अब वो जो पेज आपने डिजाइन किया था, ऐसे आप भी अपने अपने पेजेस डिजाइन करेंगे, है ना, आप भी पेजेस डिजाइन करेंगे, राइट। लेकिन अब वो जो पेजेस आप डिजाइन करेंगे, तो वो पेजेस तो आपके लैपटॉप में रहेंगे ना, आपके सिस्टम में रहेंगे, बट अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं उसे इस जगह रखना चाहता हूँ कि जहां से मेरे उस स्पेसिफिक पेज को हर कोई एक्सेस कर सके या कोई भी देख सके, राइट। तो उस केस में मुझे उसको सर्वर पे डिप्लॉय करने की क्या लगेगी, रिक्वायरमेंट लगेगी। अब या तो आप सर्वर को परचेस कर लो, है ना, और नहीं तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है ऐसे फ्री में आपको ऐसा सर्वर मिलते हैं, है ना, फ्री में, जहां पर आप आपकी साइट को क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। तो उन्हीं फ्री वाले कंसेप्ट में अगर अपन देखें, एक साइट होती है नेटलीफाई करके,
है ना, ये नेटलिफाई क्या करती है, तो ये आपको अलाउ करती है कि आप यहाँ पर आपकी क्लाइंट साइड की डिजाइनिंग वाला पोर्शन जो है ना, जो आप वेबसाइट्स वगैरह बनाएंगे तो वो आप वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो, और डिप्लॉय करने के बाद में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस स्पेसिफिक लिंक को आप अगर ओपन करते हैं कहीं से भी तो आपको आपका पेज देखने को मिल जाएगा। लाइक मैंने अगर वो पेज लिंक मैंने नेटलिफाई पे जाके अपने उस पेज को अगर मैंने डिप्लॉय कर दिया, वो लिंक मैं अगर आपसे शेयर कर लूंगा तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इंटरनेट होगा तो वो पेज आपको वहां पर भी ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इन फ्यूचर या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग अपने अपने पेजेस डिजाइन करने के बाद में नेटलिफाई पे अपलोड करेंगे, है ना, और मुझे आप लोग लिंक शेयर करेंगे, राइट, है ना। अब वो करना कैसे है तो वो मैं आपको बताता हूँ, है ना, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका ऑडियो वीडियो टैग था, ये टैग आपको डिफरेंस में बोलना भी है, अगर कोई पूछता है HTML5 और HTML में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस में आपको काउंट करवाना है, राइट। तो अभी जैसे आपने वीडियो कंट्रोल में ऑटो पे म्यूटेड लूप किया, तो मैं अगर ऑडियो में कंट्रोल्स के बदले सीधा ऑडियो नहीं, कंट्रोल्स लिखना ही पड़ेगा ना, कंट्रोल्स नहीं लिखोगे तो आएगा ही नहीं ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं वो, तो फिर उसमें तो बाकी की चीज आती ही नहीं है ना, बिना कंट्रोल्स लिखे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था ना आपको। नहीं, तो मेरे को ऑडियो की मैं बात कर रहा हूं, मैंने पेज खोला और ऑडियो पीछे चल रहा है, लेकिन मेरे को ऑडियो बार दिखाना नहीं, तो फिर उसको आपको हाइड करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से, आप उसकी एक आईडी दे दो और जावास्क्रिप्ट से उसको हाइड कर दो, चलते भी जाएगा और दिखेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते अपन यहाँ पे नेटलिफाई वाला कंसेप्ट देख रहे थे, लेकिन नेटलिफाई के भी पहले अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने जो पेज डिजाइन किया था उसमें एक था ये इमेजेस वाला फोल्डर जो कि यूज में आया था। ठीक है, पर इमेजेस के बाद में आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपके पास में कॉन्टेक्ट वाला अबाउट वाला था, कॉन्टेक्ट वाला है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें रजिस्टर, रजिस्टर के बाद में था हमारे पास में HTML5, है ना, और ये साइन इन वाला पेज, राइट, ये इतना कंसेप्ट था हमारे पास में, है ना। मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, अपलोड, है ना, ये मैंने सिर्फ एक अपलोड नाम का एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने ये सारी चीजें रख दी। अब ये सब रखने के बाद में अपन करेंगे क्या, फोल्डर का नाम आपको जो देना है आप वो दे सकते हैं, मैंने अपलोड दिया है ना, जरूरी नहीं कि मैं उसे अपलोड करूंगा तो अपलोड ही देना पड़ेगा, आपको जो नाम लिखना है आप अपने नाम से भी फोल्डर का नाम रख सकते हो बस। हाँ, लेकिन एक रिक्वायरमेंट ये है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंडेटरी है कि जिस भी फाइल को आपको वहां पर मेन फाइल को जो अपलोड करना है ना, तो वो मेन फाइल का नाम आपको रखना पड़ेगा इंडेक्स, ये मैंडेटरी है, क्योंकि अब सिंपल सी बात है ना, अब आपके पास में इतनी सारी फाइल है, 5 फाइल अगर आप वहां पर अपलोड कर रहे हो तो उसको क्या बताओ मेन फाइल कौन सी है, सबसे पहले कौन सा पेज ओपन करना है, तो वो ये बोलता है कि यहाँ पे मैंडेटरीली आपकी जो मेन फाइल होगी, होम पेज जो होगा, जो लैंडिंग पेज होगा, वो इंडेक्स नाम से ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, अब ये इंडेक्स नाम से ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स लिख लिया, है ना। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैं आता हूँ क्रोम पर, क्रोम पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है नेटलिफाई। अब ये नेटलिफाई पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है ना, आप लोगों को अकाउंट बनाना रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नेटलिफाई स्केल एंड शिप फास्टर विद द कंपोजिबल वेब, है ना, और यहाँ पे देखो ये क्या दिख रखा है डिस्क्रिप्शन में, कनेक्ट इज अ नेटलिफाई कनेक्ट इज अ डेटा यूनिफिकेशन लेयर दैट गिव्स वेब टीम्स द फ्रीडम टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास वेबसाइट्स ऑनलाइन स्टोर्स एंड एप्लीकेशंस विद डेटा फ्रॉम डैश डैश डैश, राइट। तो मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे क्लिक करेंगे ये नेटलिफाई पर, है ना, अपन आते हैं यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा ये कुछ इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे साइट दिख रही है आपको, है ना। अब मुझे भी आई थिंक यहाँ पर लॉग इन करना रहेगा, है ना, तो लॉग इन के केस में बनाते हैं यहाँ पर, लॉग इन कर लेता हूँ मैं, लॉग इन विथ गिटहब, ठीक है,
हम यहाँ पर एक सेकंड, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपन आते हैं वापस यहाँ पर पीछे। ये अपने को लॉगिन ही करना था, मैंने लॉगिन विद गिटहब पे लिखा है ना। एक काम करते हैं अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ नेटलिफाई। यहाँ पर भी सेम ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है ना। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, तो लॉगिन करने के बाद में ये मैंने मेरी प्रोफाइल बना के रखी हुई है ना, जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर आपको आपका जो भी लोगो वगैरह होगा, जो भी आपका आइकन होगा, जो इमेज होगी वो आ जाएगी यहाँ पर है ना। और जो भी आपका नाम आप सेट करेंगे तो वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा है ना। यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग स्टेयर्स करके ऐसा नेम सेट करके रखा हुआ है ना। तो ये नाम आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको जो लिखना है वो आप नाम लिखेंगे राइट है ना। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, आप भी जब अकाउंट बनाएंगे आपका फर्स्ट टाइम, तो आप जो नाम देंगे तो वो नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा है ना। अपन आते हैं यहाँ पर अब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन देके रखा हुआ है मुझे ऐड न्यू साइट का, ठीक है। अभी जो ऐड न्यू साइट का ऑप्शन देके रखा है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर देके रखा हुआ है डिप्लॉय मैन्युअली है ना, यहाँ देके रखा है डिप्लॉय मैन्युअली, मैंने इस पर क्लिक किया। अब डिप्लॉय मैन्युअली पर अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर साइट आउटपुट फोल्डर हियर और ब्राउज टू अपलोड है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्राउज टू अपलोड पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अपन करेंगे क्या, अपन डेस्कटॉप पर आते हैं, अपने फोल्डर पर आते हैं, वेब डिजाइनिंग और HTML, और यहाँ पर जो मैंने अपलोड करके रखा हुआ था वो किसके अंदर है, मोर टैग्स, और ये अपलोड वाला जो फोल्डर था मैंने इसे यहाँ पर अपलोड पे लगा दिया राइट। दिस will upload all the files from upload, do this only if you trust this site, मैंने upload पे क्लिक किया, ठीक है। अभी अभी यहाँ पर देखते हैं है ना, यहाँ पर इसकी प्रोसेस चलेगी और थोड़ा सा टाइम लेगी, और टाइम लेने के बाद में आप देखेंगे वो यहाँ पर डिप्लॉय हो गया राइट। अब चलते हैं अपन यहाँ पर, देखते हैं कैसे क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, मैंने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने पर आप देखेंगे ये आपका पेज यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपका URL मिल गया है ना। अब अपन करेंगे क्या, तो देखो ये पेज मेरा पूरा एज इट इज जो आपने फ्रेम किया था है ना, वो आपको पेज ऐसा चलते हुए देखने को मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, देखो मैंने नया टैब ओपन किया, नए टैब पर मैंने क्या किया है, मैंने वो लिंक को यहाँ पे रखा, मैंने एंटर किया। अब देखेंगे यहाँ पर भी वो पेज आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है ना। आप देखेंगे आपके स्काइप पर, मैंने यहाँ पर आकर आप लोगों से शेयर किया है चैट पर आकर, ठीक है। अब अपने अपने सेलफोन में उसे ओपन कर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लो आपके उस पर सेलफोन पे, देखो लिंक आई होगी, ठीक है, चल रही है ना। बस वो है कि थोड़ा सा डिजाइनिंग में गड़बड़ इसलिए होगी क्योंकि आपने उसे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाई है ना। आप एक काम करें, वो जो थ्री डॉट्स है साइड में है ना, ऊपर जो थ्री डॉट्स है, आप वो थ्री डॉट्स पर क्लिक करें और उसमें देखो डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको है ना, तो आप उस पर क्लिक करें एक बार, तो जैसा आपने पेज बनाया वो वैसा का वैसा पेज आपको पूरा उस पर देखने को मिलेगा प्रॉपर मैनर में। ठीक है ना, तो आपको भी ऐसा ही करना है ना, कि आप भी आपके जितने भी पेजेस बनाएंगे है ना, हाँ डेस्कटॉप साइट पर जैसा आपने पेज बनाया वो वैसा देखने को मिलेगा, अदरवाइज मोबाइल व्यू पे इसलिए प्रॉपरली देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जो पेज बनाया है वो अभी सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट के तौर पर बनाया है ना, या इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो कि आपने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है अभी है ना। आने वाले सेशन में अपन रिस्पॉन्सिव बनाएंगे कि ये दिखेगा यहाँ पर ऐसा, और सेलफोन में सेलफोन की रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगा, क्लियर है यहाँ तक।
तो अगर अपन बात करें कि ये जो सेशन था अपना आज का, तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या कवर अप करी है चीजें, तो इस सेशन में हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली आपका ऑडियो वीडियो टैग देखा, स्ट्रक्चरल टैग देखा है ना, और उसके बाद में फिर मैंने आपको यहाँ पर HTML और HTML5 के बीच में आपको डिफरेंस बताया, राइट। और फाइनली फिर मैंने आपको यहाँ पर आपके साइट को डिप्लॉय करना बताया है ना, आप भी इसी तरीके से अपने साइट्स को डिप्लॉय करेंगे, लिंक मिलेगी आपको है ना, और वो लिंक आप मुझसे शेयर करेंगे, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा कि आपने कैसे क्या यहाँ पर डिजाइन किया है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें कि HTML में आपने क्या क्या लिमिटेशंस देखे हैं, है ना, क्योंकि अब आज तो अपना HTML कंप्लीट होता है ना, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें अपन CSS देखेंगे, लेकिन बात सबसे पहले ये आती है कि भाई CSS है ना, CSS को देखने की क्या रिक्वायरमेंट है, जब आप इससे HTML से पेज बना पा रहे हो, आपने पेज बनाया है तो फिर अब आप CSS पे क्यों जा रहे हो, राइट। तो आपने जब ये पेज डिजाइन किया होगा तो उसके इसमें आपको बहुत सारे लिमिटेशंस देखने को मिले होंगे, है ना। अब वो लिमिटेशंस क्या थे, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि मैं यहाँ पर सेक्शंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, सेक्शंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था, मतलब कैसे है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मुझे एक ही रो के अंदर पार्टीशन करना है उस स्पेसिफिक रो का, है ना, तो वैसी फंक्शनलिटी मैं यहाँ पे HTML से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, राइट। टेबल टैग का मैं यूज तो कर रहा था अपने ग्रिड सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा इफिशियंट या फिर इफेक्टिव नहीं था, ठीक है। मुझे अगर सर्कल वगैरह बनाना है तो मैं इजीली यहाँ पे सर्कल वगैरह शेप्स वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, है ना, नॉर्मल HTML से। वो बात अलग है कि फिर अब आप जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज करें और उसमें फिर कुछ और कंसेप्ट वगैरह लगाकर फंक्शंस वगैरह कॉल करके, या कोई कैनवास वगैरह अगर वो वैसा कुछ फंक्शनलिटी आप अगर करें तो वो बात की बात है, लेकिन वो भी जावास्क्रिप्ट को जब ऐड करेंगे तब, लेकिन इनिशियली तो आप यहाँ पर ऐसा फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये काम मैं CSS से कर सकता हूँ, लेकिन HTML में तो ये लिमिटेशन ही हुआ मेरे लिए। आपने देखा होगा कि अब जैसे ये जो अंडरलाइन ही दिख रही है आपको यहाँ पर, जो पेज आपके सामने ओपन है इसमें यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लिखी हुई है, मेरे को अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मेरे पास में ऑप्शन नहीं है HTML में। टेबल की बॉर्डर के लिए मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, है ना, उसको कलर करने के लिए, ठीक है। फिर जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने आपको साइज को बड़ा करना था, फॉन्ट साइज को, तो उसके लिए आप वहाँ पर बिग बिग आप बार बार लिख रहे थे, है ना, तो ये तो गड़बड़ है ना। आप साइज बड़ी करने के लिए आप चार बार एक ही कंटेंट के ऊपर बिग लिख रहे हो, तो वो थोड़ा सा लिमिटेशन ही है आपकी, है ना। दूसरी चीज आप ऐसा बोल सकते हो कि सर फॉन्ट जो टैग था उसके अंदर एक तो फेस था, है ना, एक कलर था, और उसमें भी तो साइज का ऑप्शन होता है, बट उसका साइज प्रॉपरली वर्क नहीं करता, कि एक बार अगर आपने वहां साइज लिख के साइज को सेट कर दिया तो वो कम ज्यादा नहीं होती है साइज, तो वो भी एक सही तरीका नहीं है साइज को मैनेज करने का, राइट। फिर आपने ये देखा था कि आपने जो लेबल लिखा हुआ था, तो वो लेबल जितने भी लेबल्स थे उन सबके ऊपर कलर करने का सिर्फ एकमात्र तरीका था आपका फॉन्ट, है ना, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं एक बार कलर चेंज करूँ कोई आईडी या कोई क्लास या ऐसा कुछ देकर, कि एक चेंज करने पर सब पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वैसी फंक्शनलिटी मेरे पास में यहाँ पर HTML में नहीं थी, ठीक है। इंडिविजुअल सेक्शन के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो मुझे वहीं पर वो चेंजेस करना पड़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें थी, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज भी नहीं थी यहाँ पर, है ना, जिसका आप यूज करके एक इफेक्टिव वेब पेज डिजाइन कर सके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए, है ना, फिर W3C बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने 1996, है ना, अप्रोक्स में CSS को डेवलप किया था, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें कि अब ये CSS होती क्या है और कैसे क्या यूज में आएगी, है ना, तो वो फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन से, राइट। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना प्रीवियस सेशंस में और आज के सेशन में, तो वो सारी चीजें आपको कवर अप करना है। कुछ नहीं आता है, कुछ डाउट होता है तो वो फिर आपको पूछना रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते, कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।